आज मैं एक क्वेश्चन अपने व्यूअर्स को पूछता हूँ। आप स्लैब चेक करने जाते हो, अगर आप फ्रेशर हो और आपको स्लैब कास्टिंग के दिन कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलता है कि सर स्लैब चेक कर लो, तो आप क्या चेक करोगे? कौन कौन से एस्पेक्ट आप चेक करना चाहोगे? तो यही सवाल का जवाब लेके मैं आज आया हूँ। RCC स्लैब के लिए क्या क्या चेकलिस्ट रहेगा, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूँ रोहित और सिविल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अपने यही सब्जेक्ट से बिलोंग करते मित्रों को भी शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चेकलिस्ट फॉर RCC स्लैब। RCC स्लैब का अगर कास्टिंग हो रहा है तो उसमें क्या क्या जो पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं और एज ए सिविल इंजीनियर हमें क्या क्या जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्लैब को चेक करना है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इंग्लिश और गुजराती दोनों में ये पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो गुजरात के रहने वाले उसको आसानी से ये पॉइंट समझ में आए। फॉलो दी स्टेप्स बिफोर कास्टिंग RCC स्लैब। पहला जो पॉइंट है वो है, सबसे पहले स्लैब को चेक करते समय आपको उसका ड्राइंग स्टडी करना रहेगा क्योंकि आप जब भी स्लैब पे ऑन साइट पे जाओगे उससे पहले आपको ड्राइंग का पता होना चाहिए कहाँ पे क्या डिटेल है। आर्किटेक्ट ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग दोनों को आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग में क्या क्या पॉइंट्स है और कैसे ड्राइंग पूरा है, तो आप आसानी से स्लैब चेकिंग करते समय वो आपको पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट अपॉन स्टडी बिफोर चेकिंग स्लैब स्टडी योर ड्राइंग। दूसरा जो पॉइंट है वो है, चेक द बॉटम ऑफ द बीम अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो वो बीम की सारी बॉटम पट्टियाँ लगाई गई है उसको आपको चेक करना है कि वो आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार है कि नहीं। अगर वो ही गलत हो गए तो पूरा स्लैब गलत होगा। तो पहले आप बॉटम चेक कर लो, कॉलम से कॉलम और बीम से बीम जो बॉटम है वो आर्किटेक्ट ड्राइंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मुताबिक है कि नहीं। आगे का पॉइंट देखते हैं, बिफोर बाइंडिंग स्टील बार्स चेक द स्लैब बॉटम शटरिंग प्लेस लेवलिंग। जो सलिए है उसको बाइंडिंग करने के पहले जो स्लैब है उसका शटरिंग जो है वो लेवल में है कि नहीं वो एक बार चेक कर लो, फिर उसके बाद शटरिंग स्टील का काम चालू करने दो। इससे पहले आप लेवल चेक हो जाना चाहिए। नंबर 4 है, बिफोर बाइंडिंग स्टील बार्स चेक द प्लेस जॉइंट्स आर सील्ड विद टेप क्लीनिंग ऑफ सरफेस एंड properly coating of oil on surface of plates। इस मुद्दे में आपको देखना रहेगा कि स्टील बार्स बाइंडिंग होने से पहले सभी जो joints होते हैं, जो plates use की गई है उसके जो joints है वो बराबर उसके ऊपर टैप लगी होनी चाहिए कि उसमें से slurry leak ना हो। concrete है उसका मिश्रण और slurry जो है वो उसमें से leak ना हो और सरफेस पूरी क्लीन होनी चाहिए, वो आप चेक कर लो। और जो भी प्लेट्स है स्लैब की उसके ऊपर ऑयल का कोटिंग किया है कि नहीं वो चेक कर लो। ऑयल का कोटिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट जब प्लेट रिमूव करते हैं, हम शटरिंग रिमूव करते हैं तो वो आसानी से रिमूव हो पाए, इसीलिए। 5वां मुद्दा है, बिफोर बीम स्टील स्ट्रक्चर पुट इन बीम शटरिंग
बॉक्स चेक ऑल स्टील बार्स एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग। जो बीम का रेनफोर्समेंट है वो लेबर और जो काम करने वाले लोग हैं स्किल लेबर जो हम बोलते हैं, वो पहले क्या करते हैं, बीम को ऊपर उसको बांध देते हैं, उसके बाद वो बीम को उसके फॉर्मवर्क में डालते हैं। उससे पहले आप वो जो है स्टील वो चेक कर लो ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। फॉर्मवर्क में डालने से पहले ही वो स्टील पूरा चेक हो जाना चाहिए एज पर ड्राइंग। रूल नंबर 6 है, बिफोर बीम स्टील स्ट्रक्चर पुट इन बीम शटरिंग बॉक्स चेक बॉटम कवर एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पंपिंग ड्राइंग स्लीव इन प्रॉपर स्पेस। ये मुद्दे में बताया गया है कि इसके आगे वाले मुद्दे में जैसे लिखा है कि जब रेनफोर्समेंट बीम का हो जाए तो फॉर्मवर्क में वो बीम डालने से पहले आपको ये चेक करना रहेगा कि बीम के जो बॉटम के सलिए है उसमें प्रॉपर कवर डाले गए हैं कि नहीं डाले गए। अगर कवर नहीं हो तो बाद में उसको रखना बहुत तकलीफ वाला रहेगा। और इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की जो स्लीव है वो प्रॉपर स्पेस में लगाई गई है कि नहीं लगाई गई है। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे बाद में बीम में कोई वायर या प्लम्बिंग का पाइप अगर ले जाना हो तो अगर स्लीव रखी होगी तो उसमें कोर कटर हमको नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट नंबर 7 हम देख लेते हैं, चेक स्लैब रेनफोर्समेंट एज पर द स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है वो हम चेक कर लेंगे उसके ड्राइंग के मुताबिक। पॉइंट नंबर 8 हम देख लेते हैं, अगर कोई कॉलम रिड्यूस होता है तो वो देख के उसके मुताबिक आप काम कराओ। चेक इफ कॉलम्स रिड्यूस इन अपर फ्लोर एंड टू डू एज पर ड्राइंग। कई बार कैसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में थोड़ा थोड़ा फेरफार आता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, कॉलम कई बार रिड्यूस होते हैं एज पर ड्राइंग, तो वो हम देख लेना पड़ता है और उसके मुताबिक कॉलम रिड्यूस करना पड़ता है। चेक ऑल बीम कॉलम जंक्शन देर आर 3 or 4 रिंग्स अवेलेबल और नॉट। बीम कॉलम के जो जंक्शन होते हैं उसमें जब रेनफोर्समेंट में स्टील बांधने के बाद बीम का जो रेनफोर्समेंट है वो बांधने के बाद फॉर्मवर्क में जब हम डालते हैं तो उसका जो जंक्शन है उसमें 3-4 रिंग एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, और वो जब बीम उसके फॉर्मवर्क में आ जाए तब उसका बाइंडिंग होता है। तो पहले से आप देख लो कि 3 or 4 रिंग उसमें जंक्शन में है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 10 है, चेक ऑल स्टील बार्स बाइंड विद बाइंडिंग वायर और नॉट एंड चेयर कवर इन प्लेस और नॉट। ये पॉइंट में बताया गया है कि आप स्टील बार सब एक के ऊपर एक जो स्टील बार रखे गए हैं उसमें प्रॉपर बाइंडिंग वायर से आंटी मारी है कि नहीं मारी है वो चेक कर लो, और जहाँ भी बेंडिंग आती है जहाँ भी स्टील का बेंडिंग हुआ है वहाँ पे नीचे चेयर रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है वो चेक कर लो, और कवर सभी जगह तो अच्छी तरह रखे है कि नहीं रखे है वो चेक कर लो। पॉइंट नंबर 11 है, चेक नो गैप्स एंड होल्स इन स्लैब एंड बीम शटरिंग। बीम के शटरिंग में और साइड में और स्लैब की शटरिंग में आप कहीं पे देख लो कि कोई गैप ना रह जाए। पॉइंट नंबर 12 है, चेक शटरिंग इफ देयर इज एनी संक स्लैब एंड कट आउट इन स्लैब। आप अच्छी तरह ड्राइंग में देख लो कि कहीं पे भी संक स्लैब आते हो तो उसका शटरिंग अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं है रहा, नहीं हुआ कोई संक स्लैब रह ना जाए वो भी हमें देखना पड़ता है। अगर कोई जगह पे बाथरूम होता है तो उसका संक स्लैब करना पड़ता है, और कोई जगह पे कटआउट है तो वो भी हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 में हमने लिखा है कि जो जो आउटर फेसिस है बीम की जो जो आउटर फेसिस है जो हम बाहर से देख सकते हैं उसमें नई प्लेट्स
यूज की गई है कि नहीं यूज की गई। आउटर साइड्स ऑफ बीम चेक न्यू शटरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइड और नॉट। क्योंकि क्या होता है अगर पुरानी प्लेट्स और ख़राब हो गई वो जो अगर प्लेट हो वो बीम के साइड में लगी हो तो उससे फिनिशिंग सही नहीं आता और काम हमारा गंदा दिखता है। पॉइंट नंबर 14 है आफ्टर शटरिंग ऑफ आउट साइड ऑफ बीम्स चेक आउट टू आउट डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर ड्राइंग संक एंड कट आउट एंड ऑल्सो लिफ्ट एंड स्टेयरकेस कट आउट डायमेंशन। एक बार जब बीम की बाहर की जो साइड है वो शटरिंग हो जाए तो उसके बाद आप आउट टू आउट जो बिल्डिंग का माप है वो डायमेंशन चेक कर लो और एज पर ड्राइंग जो संक और जो कटआउट है उसका भी माप आप एक बार डायमेंशन चेक कर लो। लिफ्ट एंड स्टेयरकेस का कटआउट भी आपको एक बार डायमेंशन चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15 है चेक पोजीशन रिंग इज बाइंड और नॉट इन ईच कॉलम। जो भी कॉलम है उसकी पोजीशन रिंग ऊपर बंधी है कि नहीं बंधी है वो आप एक बार चेक कर लो। पॉइंट नंबर 16 है चेक एज पर इलेक्ट्रिक ड्राइंग पीवीसी पाइप्स आर प्रोवाइड और नॉट। इलेक्ट्रिक ड्राइंग आप देख लो और उसके मुताबिक पीवीसी पाइप सही तरह बिछाई गई है कि नहीं बिछाई गई वो आपको मुद्दा एक चेक करने का रहेगा। पॉइंट नंबर 17 है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिइंफोर्समेंट वर्क चेक होल स्लैब लेवल। एक मुद्दा आगे आ गया कि आपको पहले लेवल देखना है स्टील का काम शुरू होने से पहले रिइंफोर्समेंट डालने के पहले एक बार लेवल देखना है और एक बार लेवल देखना है रिइंफोर्समेंट डल गया सब अच्छी तरह से इसके बाद फिर लेवल चेक करना है क्योंकि अब आदमी और जो लेवल लोग हैं उसके ऊपर चलते हैं सलिया ऊपर डालते हैं तो लेवल में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। पॉइंट नंबर 18 है कॉल स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर साइट विजिट एंड चेक होल स्लैब वर्क। एज ए साइट सुपरवाइजर और एज ए साइट इंजीनियर हमने सारा वर्क चेक कर लिया फिर भी एक बार स्ट्रक्चर इंजीनियर को आप बुला के अपना काम फिर से चेक करवा सकते हो क्योंकि अगर हमारे में कोई कमी रहे तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको सुधार सकता है। पॉइंट नंबर 19 है फाइंड आउट मटेरियल्स क्वांटिटी बिफोर कास्टिंग डेट एंड इन्फॉर्म प्रोजेक्ट इंजीनियर और अपर लेवल अथॉरिटी बिफोर 2 or 3 days ऑफ कास्टिंग डेट। इसमें हमने बताया है ये पॉइंट में कि आप मटेरियल की क्वांटिटी आगे से निकाल के रखो क्योंकि कास्टिंग डेट जो होती है उससे पहले अगर मटेरियल की क्वांटिटी हमारे पास होगी तो उस मुताबिक आप सभी मटेरियल जो है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट वो सब आगे से आप लाके साइट पे अवेलेबल रखोगे क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि जो मटेरियल होता है वो अगर सिटी में काम हो तो वो रात में ही उसका लोडिंग कर सकती है और अनलोडिंग हो सकता है इसीलिए थोड़ा आगे से प्लानिंग करके आप क्वांटिटी निकाल दो। और इन्फॉर्म प्रोजेक्ट इंजीनियर और अपर लेवल अथॉरिटी आप पहले से ही अपने प्रोजेक्ट इंजीनियर या अपर लेवल अथॉरिटी को कास्टिंग डेट के पहले में बता रखो तो उनको जो प्लानिंग करनी होती है वो कर सकते हैं।